नमस्कार दोस्तों, टैक्स पर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं शाम के फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट आज कह सकते हैं क्रैश हो गया एक तरह से। निफ्टी 380 पॉइंट और सेंसेक्स 1375 पॉइंट डाउन रहा, यानी जो पूरी स्टॉक की मेजर जो कंपनीज हैं सारे लॉस में रहे, और लॉस के कहने का मतलब है कि वो पूरे रेड स्ट्रीट में कन्वर्ट रहे। अब बात करते हैं COVID-19 की, तो उसमें NDMC ने अभी 150 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है PM केयर में। अभी बहुत सी ऐसी कंपनी TVS ने दिया है, और भी बहुत ऐसी कंपनी जिन्होंने PM केयर में काफ़ी पैसे दिए हैं, क्योंकि अभी देश की रिक्वायरमेंट है PM केयर में, और जनता से भी अपील है जिनकी जो क्षमता वो जरूर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें। रेनॉल्ट जो कार बनाने की कंपनी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने चाइना और साउथ कोरिया का जो प्लांट था उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे स्टार्ट कर दी, यानी वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। अभी गवर्नमेंट ने अपील की है कि जो भी ऑटो कंपनीज हैं वो वेंटिलेटर बनाएं, क्योंकि देश में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेडिकल इक्विपमेंट्स की है, मास्क की है, हैंड सैनिटाइज़र की है। तो उसमें गवर्नमेंट का ये एक मानना है कि जो जिनके पास एक प्रोसेस लाइन, एक ऑटोमेशन लाइन बनाए, वहाँ पे आप इजीली वेंटिलेटर बना सकते हैं। US में भी देखा गया कि जो टेस्ला जैसी कंपनी है और GM जैसी जो कंपनी है, वो अपने प्लांट में आज की डेट में वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो वेंटिलेटर कर रहे हैं। तो इंडिया को भी उसी तर्ज पे देखा जा रहा है कि आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट अपील कर रही है कि आप उसको बनाएं। साथ के साथ DRDO ने पर डे 25,000 मास्क बना रहे हैं, यानी कि और भी अलग अलग एजेंसी लगी हुई है इस तरह से अपने काम करने के लिए। इसी बीच मारुति ने कहा है कि जो उनकी एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस था उसके जो एक्सटेंशन है उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, ताकि कि लोगों को परेशानी ना हो, और इस कोविड में जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से भी किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पावर सेक्टर में देखा गया इस महीने 30% की गिरावट रही, यानी कि आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद है, प्रोडक्शन नहीं है, तभी पावर का कंजम्पशन इतना कम है। अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन चलता तो पावर की डिमांड बाई डिफ़ॉल्ट हो जाती है। इसी बीच एक और बुरी खबर ये है, टैक्समैन ने कहा है कि जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली की जाए, उन्हें चेज करके पैसा रिकवर किया जाए, यानी कि उनके लिए दिन और भी ख़राब होंगे। एक तो आपके कह सकते हैं कि कोरोना का प्रॉब्लम चल ही रहा है, इधर से टैक्समैन के भी डंडा चलने की आप कह सकते हैं किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। इसी बीच ये भी पता चला है कि क्वीन एलिजाबेथ को भी पॉजिटिव को रिपोर्ट आ रही है, यानी कि COVID-19 की शिकार वो भी हो गई है, कोरोना वायरस की। तो ये रिपोर्ट अभी देखने को आ रहा है। इस बीच एक अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.75 से कम कर दिया, यानी कि जो अब उनका इफेक्टिव रेट है पर्सनल लोन और रिटेल लोन का वो 7.25 है। ये मानना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा भी लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से चलता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे होम लोन पे भी ये रियायत मिल गई हो। ऐसा ना हो कि ये उनके लिए हो जो नए ग्राहक हो। जनरली देखा गया कि प्राइवेट कंपनी क्या करती है, ये पास उन्हीं को करती है, यानी कि ये बेनिफिट उन्हीं को पास करती है जो नए कस्टमर होते हैं। जो पुराने कस्टमर होते हैं उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाता है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट बैंक में ये देखा गया है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पास हो जाता है, यानी कि मुझे भी वो रियायत मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिले। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि किसी सेक्शन में कोई पॉइंट छूट रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम वो पॉइंट ऐड करने की कोशिश करें। साथ के साथ ये भी ज़रूर बताएंगे कि क्या आपका EMI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भी बताएं, अगर हुआ वो भी बताएं, अगर हुआ तो कितना हुआ ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हम वो बात दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपको भी क्या रियायत मिले। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम सारे OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी टैक्स फॉर वेल्थ पे हमें देख सकते हैं। उसके अलावा ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मॉर्निंग में फिर से हम फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।